अब बहुत दिनों के बाद आज हमारी बिल्ली को देख पा रहे होंगे। देखिए मुंह को कैसे क्लीन कर रहे हैं, और आप हमारी इन मुर्गियों को भी देख सकते हैं धूप में कैसे इधर एंजॉय कर रहे हैं, और हमारे चीकस इधर से धूप में बैठने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आप देख पा रहे होंगे इधर हमारे दो पैरट है। इसने अभी अभी थोड़ा सा नहाया है। इस पानी में, पीने वाले पानी में ही नहाने के लिए उतर गया है। और इधर से हमने इनके सीड्स भी रख दिए हैं, और ये अभी खाली है। इसमें दोपहर को ही डालेंगे। और इधर आज बहुत ही कचरा हो गया है नीचे, आप देख ही सकते हैं। ये वही कचरा होता है इधर, ये जो लकड़ियां कट करते हैं। देखिए खाली वही वाला कचरा है, और इधर से थोड़े से पार है। ये इनको पार निकलते हैं फिर से, पता नहीं इनको क्या होता है। ये खाली जो नई वाली बजरी लाए हैं उसी के पार हैं, बिल्लू वाले सारे। और उसके नहीं निकलते अब, उसके पहले निकलते थे। अब इसके भी जब रुकेंगे तभी इधर अच्छे से सफाई होगी। फिलहाल हम इसको फिर भी क्लीन करेंगे अच्छे से अभी। और इस केज में भी बहुत कचरा हो गया है, इसको भी साफ करेंगे अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले आज सुबह इधर की ही सफाई करते हैं। चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं इधर एकदम क्लीन हो चुका है, और हमारे पैरट्स इधर से हैं, इधर से अच्छे से बैठे हैं। और इधर से हमारे बच्चीज हैं, इनका केज भी हमने एकदम क्लीन कर दिया है। और थोड़ा सा लगा रहता है, ये चलता है, ये अच्छे से साफ नहीं होता है, फिर इसे धोना पड़ेगा। फिर ये गीला ही रहता है, इसमें आसानी से नहीं सूखता है। अभी ठंड भी इधर है थोड़ी सी, क्योंकि बारिशें हो रही है इधर। ये आप देख सकते हैं हमारे बच्चीज को, अभी तक इन्होंने भी ब्रीद नहीं की। जो हमारी नवी बजरी है इसने अभी भी एग नहीं दिए। उस शॉपकीपर ने बोला था ये जल्द ही एग भी देगी, पता नहीं अभी तक इसने नहीं दिए, देखेंगे कब तक देंगे। बाकी एक्टिव अच्छे से हैं। ये हम अब आ गए अपनी मुर्गियों के पास। ये आप देख सकते हैं बजरीज ने ज़ाया किया था फूड उधर इधर से। ये में हम इन्हीं मुर्गियों को देते हैं, और चीकस के लिए भी रखा है इधर से। अब पहले सबसे पहले हम अपनी मुर्गियों को खोलेंगे और चीकस को भी खोल देंगे। देखिए खाएंगे अच्छे से, ये बहुत ही अच्छे से ये फूड खाएंगे। चीकस का मुझे नहीं पता है, अब देखते हैं चीकस खाते हैं या नहीं, क्योंकि चीकस को पहली बार ये मिला है खाने के लिए। देखिए चीकस ने अभी तक खाया ही नहीं। इसमें गेहूं भी है और भी कुछ सीड्स मिक्स हैं, और सॉफ्ट फूड हम उनको डालते थे वो भी इसमें मिक्स है। ये आप देख सकते हैं बड़ी मुर्गियाँ ये शौक से खाते हैं, मगर छोटी मुर्गियाँ ये उतने अच्छे से मेरे ख्याल से नहीं खाते हैं। इसमें ज़्यादा कंगनी ही मिक्स है, आप देख भी सकते हैं इसमें ज़्यादा कंगनी ही मिक्स है जो उन्होंने गिराया था। उन्होंने बहुत ही ज़ाया किया था ये कंगनी। मैंने सोचा आज इनको मुर्गियों को ही देते हैं, क्योंकि मुर्गियों को कंगनी खाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने बड़ी मुर्गियों को एक दो बार दी है कंगनी, बजरी की, जो बजरी इसको कंगनी देते हैं। और अब हमारे चीकस भी इसे खाने लगे हैं, अब ये भी खाएंगे। पहले जब भी हमने इनको खोला था कैसे ये नहीं खा रहे थे। देखिए बड़ी मुर्गियाँ शौक से ये खाते हैं, और आज थोड़ी सी धूप भी निकली है, इन्हें थोड़ी सी धूप भी देते हैं। ये आप देख सकते हैं इन्हें खाना खाकर ख़त्म भी कर दिया, और इन्हें हमें दोपहर का खाना भी दिया है। ये आप देख सकते हैं आज बहुत ही अच्छी धूप निकली है, मगर इनके केज तक पहुंचती ही नहीं थी, इसलिए हमने इनको केज के ऊपर ही रखा है। देखिए ये अब धूप कैसे ले रहे हैं, ये बहुत ही इंजॉय करते हैं जब ये धूप में बैठते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी वाली तीन मुर्गियाँ ही धूप में हैं, बाकी चीकस अभी नीचे हैं, उनको भी चीकस को भी इधर लाते हैं। देखिए ये बड़ा वाला जाली पे ही बैठा है, उधर से इतनी जगह है धूप जिधर आती है, इसको जाली पे ही मज़ा आ गया है, इसको इधर ही बैठने देते हैं।
हम पहले चीकस को भी इस पे चढ़ाते रहे चीकस। हमने चीकस को भी इधर धूप में लाया है, मारे बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए ये बार बार नीचे ही जाते हैं। इनको मैंने एक दो बार इस पे चढ़ाया है, अब ये तीसरी बार है। तीसरी बार भी ये नीचे ही उतर रहे हैं। पता नहीं ये धूप में क्यों नहीं बैठते हैं। बड़ी वाली मुर्गी हमारी बहुत ही अच्छे से धूप सेंक रहे हैं, मगर छोटे वाले बैठते ही नहीं। जो चीकस हैं ये अभी खेलने में ही मस्त हैं, इसलिए इन्हें खेलने ही देते हैं। और हमारी बड़ी वाली मुर्गियाँ इधर से एंजॉय कर रही है धूप को। और आप हमारी बिल्ली को भी देख पा रहे होंगे, आज ये बराबर 3 महीनों के बाद ही आए हैं। देखिए हम जैसे ही खिड़की खोलते हैं ये डर कर भाग गई, उधर खाने लगी। इसको हमने चिकन दिया है बॉईल करके, बल्कि ये पूरा पका के ही था। देखिए इसको शौक से खा रहे हैं। आज ये बहुत दिनों के बाद आए, और हमारे चीकस भी इधर से हैं। देखिए ऊपर अब आ गई, इसने चिकन खाकर ख़त्म कर दिया है। ये आज बहुत दिनों के बाद ही आए हैं, और इसके बच्चे भी हैं, पता नहीं उनको किधर रखा है इसने। आपने भी इसे आज बहुत दिनों के बाद ही देखा होगा, जहाँ हमारा पुराना व्यवहार होगा उसको ही पता होगा। हमारे घर में ये बिल्ली आती रहती थी, और जब हमने मुर्गियों को केज बाहर निकाला तब भी ये एक बार आई थी। अब पता नहीं ये कहाँ से आ गई इतने दिनों के बाद। देखिए हमारे चीकस को मर कुछ नहीं कहती है, मगर हम फिर भी इनको इसके सामने नहीं खोल दिया करेंगे बाहर कैसे, क्योंकि हमला भी कर सकते हैं। देखिए बिल्ली इनको ही देख रहे हैं अभी। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं अब कल नेक्स्ट वीडियो में। देखिए हमारी बिल्ली अब ऊपर आएगी, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। देखिए ये ऊपर आ गए, देखिए मुंह को कैसे क्लीन कर रहे हैं।